बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नमकीन सेवइयां मिक्स वेजिटेबल्स के साथ। और इसमें मैंने एक आलू, एक शिमला, एक गाजर ली है, इन्हें कटिंग कर लिया है। एक पैकेट हमें चाहिए होगा कट सेवइयां, और ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं नमकीन और मीठे दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ अक्सर, और आज आपके साथ नमकीन सेवइयां शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल्स के साथ। और कभी कभार बिना चिकन के भी रेसिपीज़ बनानी चाहिए, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म हो गया, तो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू, और आलूओं को हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है। और जब ये हाफ डन हो जाएंगे, तो इसमें हमने गाजरें शामिल कर देनी है। इन्हें भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी दोनों वेजिटेबल्स, तो हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्चें। और इस तरह ये कलरफुल सी वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। वेजिटेबल हमारी फ्राई हो चुकी हैं, और तमाम वेजिटेबल्स को मैं निकाल लूँगी। और ये रेडी हैं वेजिटेबल्स, इन्हें रखेंगे साइड पे। सेवइयों को मैं अच्छी तरह से इसी ऑयल में भून लूंगी। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। अब ये गोल्डन हो चुकी है, तो इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, 3 कप इसमें शामिल करेंगे पानी, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने कप में 1 टेबलस्पून शामिल किया है चिकन पाउडर, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस लिक्विड को हम शामिल कर देंगे सेवइयों में। हमेशा चिकन पाउडर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिक्स करके डालना चाहिए किसी भी रेसिपी में, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो उससे जो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च मौजूद होता है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे, कवर हटा के आपको दिखाते हैं। और इसमें बबल से बन रहे हैं, बॉयल आ गया है, तो वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया है मैंने। इसका ये फ़ायदा है कि ये जो सेवइयां हैं आपस में जुड़ेंगी नहीं। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दम लगा देंगे ताकि जो इसके अंदर मौजूद मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। सेवइयां बहुत मज़ेदार सी सॉफ्ट हुई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स, और अच्छी तरह से फैला देंगे, और इन्हें कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार है। आप फ़ौरन से बना सकते हैं विदाउट चिकन। और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये इसकी आप लुक देखें कितनी मज़ेदार सी ये तैयार हुई है, और बिल्कुल इसी तरह से आपने बनानी है। और यहाँ पर ये देखें आलू कितने सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। आखिर में चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।